तो आज की क्लास में हम असाइनमेंट नंबर 8 और 9 एमएस वर्ड में जो है उसको करने जा रहे हैं। यहाँ पर असाइनमेंट नंबर 8 आपको दिख रहा है कि इसमें क्लिप आर्ट का यूज किया गया है और ये शेप का यूज किया गया है। सेम वैसे ही आप असाइनमेंट नंबर 9 जो दिख रहा है उसमें हम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वर्ड आर्ट है और ये आपका शेप ऑप्शन है। ठीक है, तो हमको ऐसे बनाना है। पहले तो हम स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि वो एडजस्ट होगा। यहाँ पर हमने इसको एडजस्ट कर लिया है, असाइनमेंट नंबर 8 और 9 को हमको बनाना है। हमको सबसे पहले ये वाला जो क्लिप आर्ट है वो ढूंढना पड़ेगा। क्लिप आर्ट ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। हम किस में जाएंगे, इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, वहां पर क्लिप आर्ट मिलेगा हमको। क्लिप आर्ट में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ राइट साइड में क्लिप आर्ट का ऑर्गेनाइजर या क्लिप आर्ट का पेन यहाँ पर ओपन हो जाता है। हमको यहाँ पर जो सर्च करना है वो है मैन, या पूरा भी सर्च कर सकते हैं आप। यहाँ पर लिखिए और बहुत सारे यहाँ पर क्लिप आर्ट आएंगे, आपको उनमें से ऐसा दिख जाएगा। क्लिप आर्ट का यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन, जैसे आप यहाँ पर कार लिखते हैं तो कार की सारी क्लिप आर्ट दिखाएगा। ये कंप्यूटर लिखेंगे तो कंप्यूटर का दिखाएगा, उससे मिलता जुलता वर्ड आपको लिखना है। क्लियर है, तो हम यहाँ पर लिखे मैन और यहाँ पर आ गया ये क्लिप आर्ट। और इस क्लिप आर्ट पर क्लिक करेंगे वो क्लिप आर्ट यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट होने के बाद हमको हम उसको रीसाइज कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं। क्लियर है, तो हमने इसको क्लिप आर्ट को ऐड कर लिया है। क्लिप आर्ट को ऐड करने के बाद यहां पर हमको शेप इंसर्ट करना है। आप देख पा रहे हैं यहां पर कि क्वेश्चन में दिया हुआ ये वाला शेप और उसमें लिखा है टाइम इज मनी, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं इंसर्ट में जाकर के। शेप में कौन सा शेप लेंगे, यहां पर दिया हुआ देखिए इनमें से कोई एक थर्ड वाला, ठीक है, ये वाला शेप आप लोगे और आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। ऐसा पहले तो ड्रॉ कर लीजिए, ये ड्रॉ कर लिए और उसके बाद इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। देखिए ऐसा इस पॉइंट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर है, और इसके बीच में हमको लिखना है टाइम इज मनी। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो लिखने का ऑप्शन आ जाएगा और होम में जाकर के फॉन्ट बड़ा छोटा जो करना है कर दीजिए और लिखिए टाइम इज एडजस्ट कर लीजिए। और इसको सेंटर अलाइनमेंट भी दे सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट नंबर 8 जो था ये हमने लिखा टाइम इज मनी। इसको आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, जो इसका बलून है इसको आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं बाद में भी। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद आप फॉन्ट वगैरह एडजस्ट इसमें कर लेंगे। सेम वैसे ही असाइनमेंट नंबर 9 की बात की जाए तो असाइनमेंट नंबर 9 में हमको क्या करना है, आप यहां पर देख पा रहे हैं कि असाइनमेंट नंबर 9 का जो क्वेश्चन है उसमें हमको वर्ड आर्ट से कंप्यूटर लिखना है। क्या लिखना है, कंप्यूटर, और यहां पर ऐसा स्टार जैसा कुछ सिंबॉल ले आना है या शेप ले आना है, उसके अंदर लिखना है मल्टीमीडिया। सबसे पहले हम यहाँ पर कंप्यूटर्स लिख लेते हैं। क्लियर है, कंप्यूटर्स लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और वर्ड आर्ट में जाएंगे। कौन सा वर्ड आर्ट जो है वो इस तरीके से दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, इसमें आपको आना है और क्या लिखना है, कंप्यूटर। ओके करते ही क्या लिखा जाएगा, देखिए कंप्यूटर लिखा गया और इसके बगल में आपको क्या लाना है, स्टार वाला। तो स्टार लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से इंसर्ट में जाओगे, आप शेप में जाओगे, यहां पर आपको दिखेगा स्टार कहां है, यहां पर आपको ढूंढना पड़ेगा ये वाला फर्स्ट और सेकंड जो दिख रहा है इनमें से कोई एक आप सेलेक्ट कर लेना और ऐसा यहां पर एक रेक्टेंगल मानना। क्या मानना है आपको, रेक्टेंगल, और उस रेक्टेंगल में ऐसा पहले राइट जाना फिर नीचे आना। क्लियर है, और ऐसा करने के बाद आपको क्या होगा, एक शेप मिलेगा और शेप आने के बाद आप इसके बीच में जब क्लिक करेंगे डबल क्लिक या फिर राइट क्लिक करके आपको ऐड टेक्स्ट करना है। ऐड टेक्स्ट करने पर यहां पर आपको कर्सर आ जाएगा और आप यहां पर लिख सकते हैं मल्टीमीडिया।
फिर इसकी अलाइनमेंट कर लीजिए आप। यहाँ पर मैं सेंटर अलाइनमेंट कर लेता हूँ, फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। ये आपका असाइनमेंट नंबर 9 जो है वो कंप्लीट होता है। तो हमने असाइनमेंट नंबर 8 और 9 जो है वो बनाया, जिसमें हमने वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट और शेप तीनों का यूज किया है। क्लियर है? असाइनमेंट नंबर 8 एंड 9।